हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि कैसे आगे के मॉडिफिकेशंस होंगे। तो लेट्स सी, अब हमने अपने वेबसाइट को, ये हमारी वेबसाइट है, हमने इसे यहाँ तक बना लिया है। बेसिकली ये रहा मोर देन मार्क्स इन एक्शन। ठीक है, तो हम अभी शुरू करने वाले ये टीम सेक्शन पे, ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। हमें अभी यहाँ पे बहुत से लाइक इसको इस तरह से बनाना है। तो लेट्स सी हम इसको स्टार्टिंग से कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक कॉम्पोनेंट पर सिलेक्ट करना है। समझ लो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हम अगर राइट में जाएंगे तो राइट में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एडवांस, सेटिंग, लेआउट। हम जाएंगे लेआउट में, देन लेआउट में हमें एक टीम सेक्शन चाहिए। तो सबसे अगर नीचे जाएंगे हम तो यहाँ देखिए हमको एक टीम सेक्शन मिलता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पे देखिए आपको टीम लेआउट मिल जाएगा, इसका नाम है टीम थ्री करके। तो बस इस टीम थ्री को इम्पोर्ट कर लो फटाफट। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये सेक्शन मिल गया, ठीक है, टीम थ्री। अब इसे क्या करते हैं, हम यहाँ से इसे कर लेते हैं और हम इसे ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे लेके जाते हैं जहाँ पे हम इसको रखना है। तो मुझको रखना है इसको मोदन मार्क्स एक्शन के नीचे, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम इसके मदद से इसे ऊपर लेते हैं। शायद से ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे ये इसके ऊपर चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा, अच्छा एक और ऊपर, जस्ट अ मिनट, और देन ये इसके नीचे हो गया, दैट्स इट। इसको मैंने अलाइन कर लिया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे इसकी चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मॉडर्न मार्क्स वाला ये लेआउट चाहिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम और इसकी जगह पर पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, रिमूव हेडिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं हेडिंग। ठीक है, ये रहा, इसे इसके ऊपर रखना है हमें। यहाँ पे हम लिख देंगे आवर टीम या फिर आवर फैमिली, जो भी आपको अच्छा लगे आप नाम दे सकते हैं। ऑफ कोर्स इसको हमें रखना है ब्लैक में, सो लेट्स गो टू कलर, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं हमने इसको रखा है वाइट। ओके, तो ऑफ कोर्स हमें इसको देना पड़ेगा वाइट, क्योंकि हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं इसका। और आवर टीम की जगह रखा है हमने आवर, जस्ट अ मिनट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे पहली बार। ठीक है, ये रहा, हो गया। नेक्स्ट हमको कलर कोड यूज़ करना है, तो मैं कलर कोड का एक्चुअल में फाइल खोल लूँ, बंद हो गया गलती से। तो ये रहा कलर कोड्स, जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें इसके पीछे कलर को चेंज करना है, तो इसे कलर देते हैं फटाफट। ठीक है, ये रहा बैकग्राउंड, दे दिया। नेक्स्ट इसकी कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं फटाफट, जैसे कि अगर मैं इसमें जाऊँ तो उसको फटाफट कितनी मिलते हैं, जैसे कि कलर, देन हमें इसको देना है वाइट। सेम इस चीज़ के लिए भी कलर वाइट। ठीक है, तो हमें इसी तरह सबका चीज़ करना है, फटाफट कर लेते हैं। ये भी वाइट कर लेते हैं हम, तो इसी की तरह हम सबको भी कर सकते हैं। तो बट हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको हटा दें। ठीक है, ताकि हमको भी इजी हो और आपको भी बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ पे दो ही ब्लॉक रखा है, पर आप कोशिश करना कि आप चारों को ऐड करें। फॉर रिड्यूसिंग टाइम आई एम जस्ट यूजिंग दिस। इसके बाद और क्या चीज़ है, समझ लो जैसे इस पर होवर करो तो पीछे देखो, पीछे येलो का कलर लाइक बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो फोटो है वो सर्कल में, सो लेट्स इसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिखकर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर, लेट्स गो टू बॉर्डर। यहाँ पे देखो लिखा है बॉर्डर शेडो। ठीक है, ये देखो ये रहा, इसको ऑन कर लेते हैं। बॉर्डर शेडो में हम जाएंगे और यहाँ पे हम कलर देंगे। कलर कौन सा देना है हमें, हमें देना येलो वाला। यहाँ से हम कलर कोड कॉपी कर लेते हैं येलो वाला, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए इसके पीछे देखिए ब्लैक में आ रहा है। ठीक है, तो देखो पीछे इसके ब्लैक में आ रहा है, पर हमें ये सेम चीज़ करना है होवर के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे होवर में, एंड नेक्स्ट हम जाएंगे अब बॉक्स शेडो में, ऑन कर लेते हैं। फिर नॉर्मल का बॉक्स शेडो बंद करते पहले। ठीक है, नॉर्मल भी हमने बॉक्स शेडो रखा है, तो नॉर्मल का बॉक्स शेडो बंद करने के बाद हम जाएंगे एडवांस, सॉरी सेटिंग्स में ही, होवर वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ऑन कर दिया। अब यहाँ पे हम इसे कर दे देंगे कौन सा, येल्लो, ये रहा। ठीक है, अब अगर देखिए इस पर होगा तो येल्लो हो रहा है,
एंड नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अब इसको, एक मिनट, अब हमें बेसिकली जो हमने इसको होवर दिया है, जस्ट अ मिनट, इसका हमको ब्लॉक पकड़ना है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ होवर पे अब हमको इसको सेट करना है कि दिखना कैसा चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये ज़्यादा थोड़ा कम है, लेट्स मेक इट स्प्रेड, स्प्रेड कर लेते हैं यार, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सो लेट्स मेक इट 5, 5, हाँ 5 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लर में भी हम लिख लेंगे 5, यू नो कितना ब्लर होना चाहिए, ये देखो अच्छे से आ रहा है, इसमें भी देखो उतना ही है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम हम करेंगे इसके लिए भी, इसका भी ब्लॉक पकड़ लेते हैं, ये रहा बॉर्डर। हम जाएंगे होवर में, होवर में कर लेंगे बॉक्स शेडो, देन बॉक्स शेडो में हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, इसके अंदर भी हम लिख लेंगे 5, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर कोड हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं येलो। अभी देखिए यहाँ पे दोनों को हो गया, राइट। अब इसके बाद हमें जाना है इसके, इसमें यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आएगा इमेज, इमेज में हमको जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। इमेज में विथ, मैक्स विथ, ये फिल, ओके, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स सी बॉर्डर, यहाँ कुछ हमें नहीं मिला, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ कोई चीज़ हमको एंटर करने के लिए नहीं मिल रहा, तो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं, क्लास आईडी, रिस्पॉन्सिवनेस में कुछ नहीं, सीएसएस में कुछ नहीं, एडवांस में कुछ नहीं, ब्लॉक मार्जिन, ब्लॉक पैडिंग, जेड इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ ऐड करने के लिए नहीं मिल रही, तो हम जानते हैं हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं, सो उसे हम वैसे ऐड करेंगे, ठीक है। बट लेट्स मूव फर्दर, इसको फिलहाल हम यहीं पे छोड़ देते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमें इसके जो यहाँ पे ये चेंज करना, हम खुद से कर दें, ठीक है। तो हमें इसके जो, मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा पॉपिंस, ठीक है, सेम विद दिस। यहाँ पे अपने हिसाब से सब इसके अंदर, इसके अंदर की जो चेंजेस है वो कर लेना, लाइक जैसे नाम, रोल क्या देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करने वाले पॉपिंस, उसके बाद यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेते हैं पॉपिंस, ये रहा पॉपिंस, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर चाहें तो लाइक इनके नेम्स एंड ऑल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पंकज वर्मा ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे पेस्ट कर लो पंकज बरनवाल, ये देखिए। नेक्स्ट इनका रोल, को फाउंडर, देन यू कैन पेस्ट योर को फाउंडर, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब सा हो गया, हमको बेसिकली करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना है, इसको पूरा पेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको वापस सेट भी कर सकते हैं। इसको बीच में लाया, देन इसका टेक्स्ट कलर हम वाइट पे वाइट, ये देखिए हो गया सेम, ठीक है। सेम हमको लाइक यहाँ पे हम और भी जो अपने हिसाब से जितने भी हमको टीम मेंबर्स से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, बढ़िया। अब हमें बस इसको यू नो सर्कल करना है बेसिकली, देखा जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग्स, यहाँ पे रिप्लेस इमेज, ओपन न्यू टैब, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है, लेट्स, ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन, ओके, हो सकता है मैं शायद से यहाँ पे कुछ चीज़ भूल रहा हूँ, वरना यहाँ पे इसके ऐड करने के ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये दिखता कैसा है, अपडेट कर लेते हैं फटाक से इसे, एंड लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे करते हैं हम रिफ्रेश, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ देखिए दो हमको इमेजेस मिल गए, पंकज बरनवाल, एक जो पिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है जहाँ से हम ऐड कर सकते हैं बेसिकली, कैसे, सिंपल, यहाँ पे इसको आए हम इसके ब्लॉक को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम कर लें इसको कॉपी ब्लॉक, नेक्स्ट हम यहाँ जाएँ, ठीक है, यहाँ पे हम उसको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ले लेते हैं हम बटन, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओ हमको यहाँ प्लस साइन क्लिक करना है, देन यूज पैराग्राफ एंड देन यूज पेस्ट। यहाँ देखो ये मिल गया हमको, बेसिकली हमें इसका कलर कोड चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे येलो चाहिए हमें, तो इसको हम यहाँ पे येलो ऐड कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, कलर ले लिया येलो, इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे येलो, कलर्स बैकग्राउंड देते हैं हम येलो। अब देखिए हो गया ये, ठीक है। अब इसको हमको बीच में रखना है, तो यहाँ से इसको बीच में कर लेते हैं, हो गया, दैट्स इट, अपडेट। अब इन चीज़ों को हम आगे चल के देखेंगे कि और इसके आगे क्या, लाइक इन बटन हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इनको हम कैसे यूज़ करने वाले, अपने वेबसाइट को एक डायनेमिक जैसा कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडेंट की जगह हम रख लेते हैं व्यू,
व्यू ओवर टीम, ठीक है। उसको हम चाहे तो पॉपिंस में कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, फटाफट यहाँ पे पॉपिंस लेते हैं, हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ पर टेस्टिमोनियल का ऑप्शन है। अब ये हमने एक प्लगइन यूज करके दिया है, ठीक है, तो ये कौन सी प्लगइन है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, बट उसके पहले ये सब चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू अबाउट अस, ये देखिए ये वाला ऑप्शन रहा इधर, नेक्स्ट, ठीक है। इसका मेन हम पकड़ लेते हैं पहले, ये रहा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चाहिए एक हेडिंग, समझ लो मैं इसको कर रहा हूँ से डुप्लीकेट। नेक्स्ट, इस चीज़ को मैं ऊपर मूव कर लेता हूँ, इस चीज़ को, एक मिनट, ये हुआ, इसको इसके ऊपर ले लेते हैं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए, यहाँ से डाल लेते हैं। उसको हम लिख लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लिख लेते हैं अबाउट अस, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया अबाउट अस, देन नेक्स्ट, इसको हम दे देंगे पॉपिंस, ये रहा पॉपिंस। नेक्स्ट, इनका जो मेन बैकग्राउंड है, ठीक है, वो हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके मेन बैकग्राउंड से कलर क्या है, ब्लूश, ये रहा, वह चेक कर लेते हैं, हाँ ब्लूइश है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेंजेस में हम डालते हैं यहाँ पे ब्लूइश। नेक्स्ट, इन सब पे भी सेम चीज़ करना है हमें, इन सब के में बैकग्राउंड चेंज करने हैं, फटाफट कर लेते हैं ब्लूइश, देन इसके भी ब्लूइश, देन नेक्स्ट इसके ब्लूइश, एंड नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट काम है वो है कि इनका होवर होने पे लाइक इनके चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो टू यहाँ, देन इसे पिंकिश कर लेते हैं। आई नो, सॉरी सॉरी, येलोइश। आई नो आपको बहुत सी चीज़ें आप समझ में आने लग गए हो कि ठीक है कि मुझे ये करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे जाके हम कौन कौन चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यू नो कौन सी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, कहाँ पे कितना क्या ऐड कर सकते हैं। सो बट आप सबके साथ और आपको आगे भी चीज़ समझ में आए, इसलिए मुझे पूरा चीज़ मैनुअली करना पड़ रहा है आपके सामने, अदरवाइज हम ये सब चीज़ें स्किप कर सकते थे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि जो वेबसाइट मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ वो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट से कितनी मेल खाती है, ठीक है, जाके ऐसा ना हो कि लाइक यू नो दिखाया कुछ और बना लाइक हमने बना दिया कुछ और, ठीक है। नेक्स्ट, अबाउट अस के बाद हैव एनी क्वेश्चंस, तो हैव एनी क्वेश्चंस वाला सिलेक्शन हमको करना है, तो मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझको यहाँ पे ये पोस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव एनी क्वेश्चंस का बैकग्राउंड येलो है, लेट्स गिव इट येलो, इसका बैकग्राउंड में आते हैं हम, बैकग्राउंड, ठीक है, येलो दे दिया। देन नेक्स्ट, इसके अंदर के टेक्स्ट व्हाइट ही रहने देते हैं, बस हमें इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको बस हमें करना है पॉपिंस, लेट्स गिव इट पॉपिंग, ये रहा। इसके नीचे भी टेक्स्ट है, मैं फिलहाल इसको डेमो रहने देता हूँ, आप इसके अंदर चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो लिखा है मोदन मार्क्स, कॉपी किया यहाँ पर, एंड देन नेक्स्ट यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ें बड़ी छोटी कर सकते हैं, तो लेट्स मेक इट आइकन, इसके आइकन का हमको बॉर्डर कर देते हैं, पहले बॉर्डर जाते हैं, रेडियस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसके टेक्स्ट में हम जाएंगे, टेक्स्ट में कलर, इसका जो कलर है मैं चाहूँगा कलर उसका ब्लैक, यहाँ पे क्या कलर दिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लेते हैं वाइट, और इसका जो तो बैकग्राउंड है हम वो चेंज कर लेते, ठीक है। उसका बैकग्राउंड क्या है, नेवी ब्लू, लेट्स मेक इट्स बैकग्राउंड नेवी ब्लू, ठीक है, ये देखो हो गया। अब इसके बाद इस पे होवर पे कुछ होता है, हाँ तो होवर पे वाइट हो रहा है, सिंपल। तो हमें क्या करना है, हमें होवर पे जाना है और होवर पे इसका बैकग्राउंड को हमको देना है वाइट, और सॉरी मैंने किसी और को वाइट दे दिया, मुझे बटन को वाइट देना है, ठीक है। तो बटन के होवर पे जाते हैं हम, और इस बटन के होवर को हम कर देंगे वाइट, ठीक है। तो अब मैं होवर करूँ तो वाइट हो जा रहा है, बट मेरे इसके इस कलर को भी हमको चेंज करना है, तो मैं इसको करता हूँ वही। तो अभी देखो ये हो गया, आप ठीक है, अपडेट। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा था आवर पार्टनर्स, ये सेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से अवेलेबल एक सेक्शंस दिया हुआ है, बट अगर यहाँ पे हम आके कुछ देखें तो इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे हम इसको यू नो ऐसे लाइक स्लाइड्स कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम स्लाइडर कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो हमको इसके लिए और बेसिकली हमारे टेस्टिमोनियल के एक प्लगइन यूज़ करना है, और उसके आगे चलते हैं फटाफट ये बना लेते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखिए ये सब बेसिकली आपको करना है, आपको बस जिस चीज़ को लाइक हाँ जहाँ पे आपको लिंक देना है आपको उसको सिलेक्ट करना है, लाइक से इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक
ठीक है, यहाँ पे आप बस इसका लिंक दे दीजिए कि आपको उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने हर एक चीज़ को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि मुझे यूट्यूब पे लिंक देना है, मुझे लिंकडिन का लिंक देना है, तो ये देखिए यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इसको फोटो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप इसे फोटो निकाल के कुछ और दूसरे फोटो चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे ना इसकी ज़रूरत है, कौन से यूआई की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। हमारा अबाउट अस भी ब्लैक में, लेट्स मेक इट वाइट, कलर कलर एंड देन वाइट, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये सेक्शन चाहिए, लेट्स मेक इट डुप्लीकेट। तो हम देख रहे हैं, अब हम कोई चीज़ स्क्रैच नहीं बन रहे, हम बस जो चीज़ें बनी बनी लाइक बनी बनाई है, हम बस उसे यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शंस आ रहा है और पार्टनर, ठीक है, और पार्टनर। इसका कलर क्या है, इसका कलर है बेसिकली ब्लैक। और ब्लैक क्यों, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो हमारा बैकग्राउंड कौन से कलर का है, वो हमारा बैकग्राउंड है वाइट में, ये देखेंगे, ये देखो और पार्टनर, ठीक है। ओके, हल्का से ग्रेइश में, सो लाइक इट्स लेट्स मेक इट ग्रेइश लिटिल बिट, कलर में जाते हैं हम और थोड़ा सा डाउन लिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि इतना, ठीक है, बराबर है। लेट्स मूव टू फर्दर। अब हमको दो प्लगइन की जरूरत है, एक बार अपडेट हो जाए फटाफट, हो गया, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, हमको दो प्लगइन चाहिए, लेट्स गो टू प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन में हम आए क्या, ब्लॉक आर्ट, ओके, हाँ यहाँ पे एड न्यू, यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं हम एड न्यू। अब हम जो लोगों के लिए लाइक जो हम स्लाइडर के लिए जो प्लगइन यूज करने वाले हैं, उस प्लगइन का नाम है जीएस लोगो, ठीक है, लोगो स्लाइडर लाइट, नाम देख लीजिए, जीएस लोगो स्लाइडर लाइट, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा वो प्लगइन, जीएस लोगो स्लाइडर, फिर यहाँ पे जीएस प्रोडक्ट स्लाइडर, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो, बट हम फिलहाल जीएस लोगो स्लाइडर ले रहे हैं, तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी टाइम लाइक देर में ये हो जाएगा एक्टिवेट। एंड हम टेस्टिमोनियल के लिए जो चीज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स मूव टू प्लगइन्स, मेरे प्लगइन प्लगइन, और जो हम टेस्टिमोनियल के लिए जो हम इस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं बेसिकली प्लगइन, वो प्लगइन आप लोग ने बहुत बहुत सुना होगा, अगर आप नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो टू ऐड न्यू। प्लगइन का नाम है स्मार्ट स्लाइडर, ठीक है, स्मार्ट स्लाइडर। तो स्मार्ट स्लाइडर लाइक सर्च करते ही देखो आपको कुछ ऐसा, ये हमारा प्लगइन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटक से, अब बस ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, कुछ ही देर में इंस्टॉल भी हो जाएगा, लेट्स सी, ये हो गया एक्टिवेट। अब हम यहीं से चीज़ें बनाकर जाएंगे, जाके हमको बस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू जीएस लोगोस, यहाँ पे फटाफट चीज़ें ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू लोगो, ठीक है। द नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा है क्या, ऐड न्यू लोगो, एक जो भी आपको न्यू लोगो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बियॉन्ड एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐड मीडिया करना है, तो ऐड मीडिया के लिए समझ लो अभी मेरे पास फोटोज नहीं है, लेट्स गो टू, यहाँ पे जाते हैं हम डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेट्स गिव मी सम टाइम, यहीं के रखा है मैंने, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ ये रहा वेबसाइट फॉर फोटो एक्सपर्ट टीम, नहीं यहाँ पे भी नहीं, और पार्टनर्स ये रहा, हाँ देखिए यहाँ पे हमको सारे लोगों मिल गए। तो यहाँ पे समझ लो मुझे ये लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ पे उठा ले लाइक ले लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे मुझे सारे लोगों चाहिए वहाँ के, तो मैं यहाँ पे ले लेता फिलहाल, लेट्स मेक इट ये सब लोगो एक्सेप्ट बियॉन्ड एग्जाम, क्योंकि बियॉन्ड एग्जाम ले चुके हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स एड इट, फटाफट ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी, हो गई 3 एंड देन नेक्स्ट 4 एंड देन 5, ठीक है, कर दिया हमने। अब इसके बाद ठीक है, एक गलती कर दी हमने, सब साथ में ऐड कर दिया, एक एक ऐड करना है बस हमें, एक ऐड किया, ठीक है, ओके, मेक इट पब्लिश, और लोगों में अगर हम जाएंगे तो हमको देखो यहाँ पे बियॉन्ड एग्जाम देखने मिल रहा है, फिर यहाँ पे देखो ऐड लोगो शॉर्टकट इंस्टॉल डेमो हेल्प एंड यूजेज प्लगइन्स, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंस्टॉल डेमो, ठीक है। तो मैंने आपको मैनुअल बताया, मैनुअल कैसे बना सकते हो, आप यहाँ पे मैं एक इंस्टॉल डेमो कर लूँगा, ठीक है। सो इम्पोर्ट नाउ, तो यहाँ पे बहुत सारे डेमोस आपको मिल जाएंगे,
लेट्स सी ये कौन कौन से डेमोज दिखाता है हमें। जस्ट अ मिनट, तो इसने कहा कि इसने एक डेमो ऑलरेडी लाइक यू नो वो कर दिया अपलोड। जस्ट अ मिनट, ओ इसका कलर चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी चेंज कर लेते हैं इसका फटाफट। इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो अभी भी ग्रीनिश है, तो हमको इसके बैकग्राउंड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हमको भी करनी है, ठीक है। और लोगो शॉर्टकट यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से आए, लाइक लोगोस कौन कौन से आए। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट एंड लाइक स्लाइडर एंड डिफॉल्ट कलर के क्या है, वी कैन यूज़ दिस, ठीक है। देखते हैं दिखता कैसा ही है। ओके, तो हमको इसका वो प्रीव्यू देखने नहीं मिल रहा शायद, ये प्रीव्यू शायद, हाँ ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिख गया। तो हमको बस इसी को ऐड करना है, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे पहले सी चीज़ दे रहा है, तो हमने बस यहाँ पे एक डेमो ले लिया। देन हम इसको शॉर्टकट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू पेजेस, और जो चेंजेस है वो कर लेते हैं और साथ में पेजेस कर देते हैं, ठीक है। एडिट, आज हम इस पेज को पूरी तरह से बनाने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास बस दो सेक्शंस बना लाइक बचा हुआ है, एक है टेस्टिमोनियल्स एंड देन आवर पार्टनर्स, ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर पार्टनर सेक्शंस फटाफट फटाफट। इट्स टेकिंग सम टाइम, ऑफ कोर्स नेट स्लो है मेरा शायद से, हो गया। नीचे जाएंगे फटाफट, अब हमें इसी चीज को कॉपी करना है, लाइक बेसिकली डुप्लीकेट करना है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा जो मेरा प्लगइन है वो पूरी विड ले, सॉरी मैं जो प्लगइन है वो पूरी विड ले, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ले लेते हैं इसे एंड देन नेक्स्ट रिमूव बटन, देन नेक्स्ट इसे यहाँ पे बटन ले लेते हैं। मतलब बेसिकली मैं बस इस सेक्शन को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव सेक्शंस, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसे छोटा कर लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट बस थोड़ा सा और, ओके इसे थोड़ा कर लेते हैं इतना, ठीक है। लेट्स ऐड शॉर्टकट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा इशू होता है ये, यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर लेते, ठीक है। अपडेटेड वह हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर अब हमको यहाँ पे सारी हमको जो मेरे स्लाइडर से देखने मिल जाएंगे, प्लस हमें इसी के साथ साथ इसका बैकग्राउंड चेंज करना, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड हमें ढूंढना पड़ेगा बेसिकली कहाँ पर है। तो हमें इसका बैकग्राउंड तो नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको पकड़ लिया ग्रुप, लेट्स सी ग्रुप का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ठीक है, ग्रुप का बैकग्राउंड हमको डालना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू यहाँ एंड टेक नेवी ब्लू, जस्ट अ मिनट। ग्रुप पकड़ लिया हमने, नहीं इसका भी ग्रुप चाहिए हमें, ये रहा बैकग्राउंड, फिर सेलेक्ट करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ पे ये भी ऐड हो गया। लेट्स सी अपडेट, दैट्स इट, हो गया। तो अब ये देखिए, अब इसके पीछे का भी जो सेक्शन था सब लाइक यू नो ब्लू ब्लूइश हो गया। नेक्स्ट हमारे देखिए और पार्टनर्स यहाँ पे हो गए, पूरी से वर्क कर रहा है हमारा। आर पार्टनर थोड़ा टेढ़ा चले गया ये यहाँ पर, बेसिकली ये टेढ़ा तो नहीं जाना चाहिए था बेसिकली देखा जाए तो। इट्स मे बी ड्यू टू, ये सब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, कोई बात नहीं। लेट्स चेक इट आउट वंस अगेन, हम इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके इस कॉलम को क्लिक करूं, देन आई कैन गिव इट लाइक 35 एंड 5, ओके ठीक है। तो ये कॉलम का दिक्कत है, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पूरे कॉलम को हटा सकते हैं यहाँ से।
दूसरे मिनट इस कॉलम को यहाँ से हम कर लेते हैं कॉप डुप्लीकेट। कोई भी इश्यूज तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन अब हमको यहाँ पे लिखना है बेसिकली और पार्टनर्स, इसका बैकग्राउंड चेंज करते फटाक से, इसके बैकग्राउंड को हमको थोड़ा सा ग्रेश और ये रहा। फिर अब पार्टनर्स को हम चेंज कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट कलर हम दे देंगे बेसिकली और पार्टनर्स का टेक्स्ट 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 कलर 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 ये टेक्स्ट कलर देंगे इसको ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं बेसिकली ये होना चाहिए था ब्लूइश, ठीक है हो गया। आई नो थोड़ा सा इसके इसमें लाइक इश्यूज हैं लाइक कलर्स के, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर हम सेम करते हैं, ठीक है बैकग्राउंड कलर इसको सेम करते हैं, हो गया अपडेट। और हमारे पास कौन सी चीज़ पड़ी है, हमारे पास ऊपर का जो हमारा बटन है वो थोड़ा ख़राब हो गया, ये रहा यहाँ पर, ठीक है एनोला स्टूडेंट। तो इसका जो नॉर्मल टेक्स्ट कलर है वो हट गया यहाँ से, तो हम लेट्स गो टू कलर। यहाँ पे कलर है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, कभी कभार थीम्स के इश्यूज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, पर ये इसने अपना लाइक ये कलर अडॉप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू तो बेसिकली ये डिफॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे न्यू बटन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तुमको कौन सा बटन चाहिए, हमको चाहिए बटन समझ लो ये वाला। ऑफ कोर्स वर्डप्रेस में काम करना जितना इजी लगता है उतना ही यू नो वो डिफिकल्ट भी है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये गलत ना हो जाए वो गलत ना हो जाए, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम ऐसे वेबसाइट्स क्लाइंट को लाइक जिसको भी जिसको हम देना चाहते हैं उसको नहीं दे सकते हैं, जिससे उसको ऐसा लगे कि ओ ये काम तो हो ही नहीं रहा इसमें, ठीक है। लेट्स गो टू बैकग्राउंड, जस्ट अ मिनट, नेवी ब्लू, लेट्स ट्राई इट राइट वंस अगेन। तो यार ये बेसिकली हो सकता है कि किसी चीज़ की वजह से यू नो इश्यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मेरे में इशू हो बट आप में ये सब इश्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए और पार्टनर बीच में आ गया हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर का बटन का हमारा इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ बेसिकली, यहाँ पे ये अजीब सा बटन भी आ गया जबकि यहाँ पर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है शायद ये मेरे में इश्यूज़ हो पर आप में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। अपडेट एक बार वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं अपडेट करके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड करना है पोर्टफोलियो बेसिकली टेस्टिंग टेस्टिमोनियल, ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों में और चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे लोगों में जाऊँ मैं तो लोगों में कितना बड़ा आपका लेकिन लोगो होना चाहिए, देखो आप आपको सारे लोगो मिल जा रहे हैं तो आपने ये देखिए बियॉन्ड एग्जाम जो हमने ऐड किया था, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं राइट। तो आप इस हिसाब से ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें जाके एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है लोगो शॉर्टकोड, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे सब देखने मिल जाएगा, आपके जो भी शॉर्टकोड्स हैं ये सब अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो डेमो शॉर्टकोड्स क्रिएट न्यू प्रेफरेंस जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं कि आपका ये लोगो कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। स्लाइडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, इसके बाद और भी चीज़ें जैसे स्लाइडर नेव्स क्या है, बटन हो कितने लाइक कहाँ कहाँ पे हो, इसके बाद टूल टिप्स, आप हर एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप स्टाइल दे सकते हैं, क्वेरी डिफॉल्ट कर सकते हैं, स्टाइल मतलब क्या लोगों का स्टाइल कैसा हो लाइक ग्रे स्केल ग्रेट हुई है मतलब होल करने पे कुछ हो कि नहीं। नेक्स्ट डेस्कटॉप लोगो 5 दिखने चाहिए या फिर टैबलेट में 3 मोबाइल में 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टैबलेट में देखो 3 दिख रहा है राइट, अगर हम यहाँ पे बेसिकली इसमें आए डेस्कटॉप में आए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 लोगो दिख रही है। तो ऐसे ही आप हर एक चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट स्लाइडर, स्मार्ट स्लाइडर हम यूज़ करने वाले हैं हमारे टेस्टिमोनियल पार्ट के लिए बेसिकली जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुरु डैशबोर्ड और यहाँ पे हम एक डेमो इम्पोर्ट कर लेंगे जो हमारे यू नो उसको कस्टमाइज लाइक हमको एक प्रोजेक्ट बनाकर दे देगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है स्टार्ट विद टेम्पलेट, स्टार्ट विद टेम्पलेट लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हमको जो भी अच्छा लगे हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने यूज़ किया देखो ये वाला है, इसे देख लेते हैं एक बार अच्छे से हम दिखता कैसा ये। तो ये देखो ये वाला रहा,
कि जो हमको चाहिए हम वो यहाँ से यूज़ कर सकते, ठीक है। और ये वीडियो है बेसिकली, तो यहाँ पे जाते हैं, तो ये फोटो वाला है, हमको बस वीडियो के लिए चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटो प्लेइंग थंबनेल स्लाइडर है, लेट्स सी मोर। ये देखिए ये रहा फ्री वीडियो स्लाइडर, तो इसे हम कर लेते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। नहीं करना सब्सक्राइब, अभी देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्ट कर रहा है, बस थोड़ी देर में ये इम्पोर्ट भी कर लेगा पूरी चीज़ को। अब यहाँ के यहाँ पर आकर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब एडिट नहीं करने वाला हूँ, बट मैं दिखाता हूँ उसको एडिट करते कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाते एडिट। ये थोड़ा सा हार्श है, लाइक इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी धीरे धीरे ये सब ठीक लाइक ईजी हो जाएगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या 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 जहाँ पे हमको जो चीज़ हमें एडिट करनी है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो समझ लो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं बैकग्राउंड में दे दूँ, समझ लो जस्ट अ मिनट, मैं बैकग्राउंड में समझ लो अपना ही फोटो डाल देते हैं, इसका फोटो डाल देते हैं। तो देखो बैकग्राउंड में देखो हमारा फोटो आ गया बढ़िया सा। इसके बाद ये चीज़ क्या लाइक इसको अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, ये थंबनेल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या क्लिक करूँ तो क्या प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो समझ लो मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब पर और जाते हैं हम कोई भी वीडियो लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। सो लेट्स गो, ठीक है, ये समझ लो ये गाना प्ले होना चाहिए। तो इसे हम कर लेते हैं ऐसे कॉपी, हाँ ठीक है कॉपी कर लिया। एंड देन नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जब भी इस पर क्लिक हो तो ये गाना प्ले हो। तो ये देखो पीछे ये हो गया थंबनेल, तो ठीक है। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे रहने देते हैं, इसे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका कवर चेंज कर देते, ठीक है। अब जब भी ये इसको हम इसको कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको वीडियो पीछे गाना बजेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी जैसे ऑटो प्ले हो कि नहीं, मतलब कोई ऑटोमेटिक आ तो देखने मिलेगी, तो आपके आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से सब चीज़ें कर सकते हैं, बट जो बेसिक्स है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर स्टाइल में होता है जैसे कि यहाँ पे कहाँ पे आपको हाइड करना है, कोई इफेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको पोजिशन चाहिए कि नहीं, ये सब चाहिए कि नहीं, ठीक है। एनिमेशन कुछ चाहिए तो नहीं, ये सब सिर्फ प्रो मिल रहा है। सो दैट्स इट, यहाँ पे आप इसके इसको भी चेंज कर सकते हैं, कैसे मैं दिखा देता हूँ। स्टाइल में जाएंगे आप तो वीडियो सेटिंग में अगर आपको जाएंगे तो आपको देखो चीज़ें मिलती है। अब यहाँ नेक्स्ट है देखो यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे अगर मैं हेड यूज़ करना, तो यहाँ पे हेडर है, तो यहाँ पे अगर मुझको यूज़ करना तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इमेज चाहिए तो यहाँ पे इमेज आ कर सकता हूँ जैसे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आता है जो रो, ये देखो ऐसा कुछ मैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये रहा एंड देन नेक्स्ट, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, हो गया दैट्स इट। अब इसके बाद हम कर लेते हैं सेव। अब इसके बाद चलते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ हम इसको पहले यहाँ से इसको शॉर्टकट ले लें, तो हमको यहाँ पे करना है इस पर क्लिक, प्रीव्यू डुप्लीकेट, इसका शॉर्टकट नहीं मिल रहा मुझे, इसका शॉर्टकट शॉर्टकट एडिट में जाते हैं, देखते हैं शायद एडिट के अंदर हो, ठीक है। तो हमको बस इसके शॉर्टकट यूज़ करने हैं, तो इसका शॉर्टकट ये रहा देखो स्मार्ट शॉर्टकट, ठीक है। हाँ बेसिकली यहाँ इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको थंबनेल इमेज ही मिल रही है, थंबनेल इमेज का जो आपको एकदम फ्रंट पे दिखता है, समझ लो मैं इसे चेंज कर लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ समझ लो बियॉन्ड एग्जाम्पल लोगो रख देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बियॉन्ड एग्जाम्पल लोगो ऐसे थंबनेल दिखाएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब मुझे इसका भी थंबनेल चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं रिस्पेक्टिव, ये सिर्फ आपके स्लाइडर के लिए, तो यहाँ मुझको लाइक ये सब चीज़ की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लाइक आपको ये सब चीज़ें जरूरत पड़ेगी नहीं, बट जो जो ज़रूरी है मैं आपको उसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट रो अनप्लीज सेट एज फर्स्ट, तो यहाँ से आप डुप्लीकेट करके इसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं डुप्लीकेट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इसे कर देते सेव, देन हम जाएंगे इसके अंदर वापस से। अब यहाँ पे आपको नीचे भी कुछ चीज़ें दिख रही है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको आपको स्लाइडर मिलेगा, आपको कौन सा एक एडिट करना है बेसिकली वन, देन यहाँ पे देखिए कंटेंट लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो मुझे यहाँ का ये चीज़ फोटो चेंज करना है, ये फोटो कौन सा फोटो मैं बताता हूँ, समझ लो इस फोटो की जगह मैं रख देता हूँ इस बच्चे को, ठीक है। आप नीचे आओगे तो यहाँ जो फोटो है वो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हो जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। स्टाइल एनिमेशंस यूट्यूब कंटेंट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, सेव कर लेते फटाक से। एंड लेट्स गो टू डैशबोर्ड, मतलब बेसिकली हम बाहर जाते हैं इसके, और अब हम चलते हैं पेजेस में और इसे ऐड करके देखते हैं कि दिखता कैसा है, ठीक है।
दैट्स इट, इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं। अब आई नो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, बस कुछ ही देर में ये खुल जाएगा एंड देन नेक्स्ट हमें बस इसे ऐड करना है और देखना है कि हमारा प्रीव्यू कैसा दिखता है, और हमको इसको कस्टमाइज करना है कि ये इस इस विध में दिखे। तो वो कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। हमने देखो यहाँ पे यूज़ किया था अवा पार्टनर्स, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इतनी ही स्पेस यूज़ करनी है। डुप्लीकेट अवा पार्टनर्स को ऊपर लेके जाता हूँ, अबाउट अस, अबाउट अस में नहीं, अबाउट अस में नहीं, हमने टेस्टिमोनियल कहाँ पे रखा है, हमने रखा टेस्टिमोनियल टीम पेज के नीचे, ठीक है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे फ्री। हाँ अब यहाँ पर अगर मैं इसे वापस डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मुझे इन दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे लेता हूँ ब्लू येलो, ठीक है, यहाँ जाते हैं बैकग्राउंड में फटाफट येलो, एंड द नेक्स्ट इसे भी हम देते हैं येलो, हो गया। अब यहाँ पे इसे हटा के हम ले लेते हैं एक, हमको चाहिए यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं हेडिंग। अब मुझे यहाँ पे चाहिए शॉर्ट कोड, ये रहा, और शॉर्ट कोड में हम करेंगे प्लस, ठीक है, ओ तो शॉर्ट कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पर नहीं है, लाइक हमसे गलती से कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया, लेट्स गो टू अनदर, वापस जाना पड़ेगा हमें हमारे स्लाइडर में, लेट्स गो टू स्लाइडर फटाफट, यहाँ पे देखो हमने बनाया हुआ स्लाइडर में ये रहा डैशबोर्ड, ठीक है, गो टू डैश डोंट शो अगेन, इसको कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें बार बार चीज़ को देखना नहीं है। नेक्स्ट देखो हमने देखो कहा था बियॉन्ड का लोगो आएगा, तो यहाँ बियॉन्ड का लोगो आ रहा है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एडिट, हमको यहाँ से इसको अच्छी ये देखिए, मैंने ये कहा था कि यहाँ का देखो हम थंबनेल चेंज कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे लड़के का थंबनेल आ रहा है, जैसे अगर यहाँ पर आओगे जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो थंबनेल है सबका, यहाँ पे सबका अलग है, ठीक है, वीडियोस का स्टार्टिंग का थंबनेल, साथ ही में जो वीडियो का एक लाइक इंडिविजुअल वीडियो का थंबनेल है वो भी अलग है, ठीक है, तो आप इसी तरह से सब चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझा कि ये कैसे क्या चेंज मैंने, तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। सो मुझे बस इसका यहाँ से कलर कोड चाहिए, सॉरी कलर शॉर्ट कोड चाहिए, देन गो टू पेजेस, देन पेजेस में हम जाएंगे वापस से हमारे होम सेक्शन में, ठीक है, अब यहाँ पे आके हमें बस इसे पेस्ट करना है, ठीक है, बस इतना सा काम हमें आज करना है, लाइक इस वीडियो में हमें बस इतना ही काम करना है बेसिकली। जाते नीचे फटाफट, ये रहा शॉर्ट कोड, यहाँ पे कर लेते इसे पेस्ट, हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ एक अनवांटेड बटन आ गया है स्टार्टिंग पेज पे, यहाँ पे दो अनवांटेड बटन्स हैं, जस्ट अ मिनट, हो गया, अपडेट कर लेते हैं अभी से, ये हो गया अपडेट, दैट्स इट, लेट्स व्यू इट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अच्छा सारे बटन्स के जो हम कलर कोड्स कह रहे हैं वो दिक्कत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता है आपने कैसे किया था, तो हो सकता है मेरे से कोई दिक्कत हो, ये देखिए यहाँ पे सब वर्क कर रहा है, इसका व्यू और टीम, ये देखिए यहाँ पे स्लाइडर डिट्टो इसके जैसा यहाँ पे लग गया। अब इसके साथ जब मैं इस वीडियो को क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा, तो ये देखिए वो देखो वो वाला गाना शुरू करा जो मैंने यूट्यूब से उठाया, राइट, सॉरी, तो यहाँ पे देखो वो वाला गाना बजा जो हमने यूट्यूब से लिया था। सो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे और दूसरे यहाँ पे देखो मिल जाएंगे अलग अलग, तो ये देखिए मैंने कहा था हम लाइक किसी चीज को डुप्लीकेट करके यूज कर सकते हैं, तो ये देखिए जो हमने डुप्लीकेट किया था वो यहाँ पर है। नेक्स्ट आपको नीचे और भी बहुत एक पेज प्रॉपर बना लिया है इसका, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अब हम एक लास्ट चीज करनी है, वो क्या हम दिखा देते हैं फटाफट, हम जाते हैं बाहर, और वो बेसिकली है हम जाएंगे अपीरेंस, अपीरेंस में एक मिनट, हम जाएंगे अपीरेंस, अपीरेंस हम जाएंगे विजेट्स, सॉरी कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाएंगे हम, देखिए ठीक है, कस्टमाइज में जाने के बाद अब हमें करना क्या है, कस्टमाइज में क्लिक कर लेते हैं, कस्टमाइज में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे विजेट सेक्शन में, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए योर थीम हैज 13 विजेट्स वेयर एज बट दिस पर्टिकुलर पेज डस नॉट डिस्प्ले देम, तो हमें बेसिकली ये सब चीज़ें यहाँ पे ठीक करनी है। जब आप विजेट्स में आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो हम जाएंगे विजेट्स वन, ठीक है, गॉट इट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बेसिकली एक इमेज डाल लेता हूँ, तो मोजन मार्क्स का लोगो देखना पड़ेगा, ये देखिए ये रहा मोजन मार्क्स का लोगो, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बस इसी की तरह हम सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको देखो सारे कंपोनेंट्स करने का मौका मिल जाएगा।
तो लास्ट आपको करना है, आपको जाना है हेडर, हेडर में जाएंगे साइड आइडेंटिटी। यहाँ पे ट्राई करना कि आपने यहाँ पे साइड आइकन दिया हो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है साइड आइकन, तो या कि आपने देखो ऊपर लोगो दिख सके, तो आप देखो आपने ये ऐड किया हो। एंड नेक्स्ट हमने अपने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमने अपने इसका लाइक इस वेबसाइट का जो फुटर था वो पूरे से बना लिया है। तो ये देखिए अब इसका फुटर और इसका फुटर, लेट्स गो टू हियर, ये देखिए सेम सेम, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमने देख लिया कि हम कैसे लाइक फुटर भी ऐड कर सकते हैं अपने इस वीडियो में, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।